नमस्कार, स्वागत है आपका तेरी मेरी रसोई में। सुबह का नाश्ता हो या शाम की छोटी सी भूख और बहुत ज़्यादा मेहनत करने का मन भी ना करे, तब आप एक बार ये बेसन टोस्ट बनाकर देखिए। ये बहुत ही झटपट बन जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बेसन टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में 1 कप बेसन डालेंगे और इसके साथ ही हमने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली हैं, तो जिसमें हमने लिया है बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटी हुई गाजर, 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इन सारी सब्जियों को हम बेसन के अंदर डाल देंगे। आप अगर ये बेसन टोस्ट की रेसिपी बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी को स्किप भी कर सकते हैं या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। भागदौड़ में जब समझ में नहीं आता कि नाश्ते में क्या बनाएं और बहुत जल्दी बनाना होता है, तब आप ये बेसन टोस्ट आराम से बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और आप चाहें तो इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, और जो भी सब्जियां आपको पसंद हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन, थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सेमी थिक बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमें बैटर बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, मीडियम चाहिए। तो अब इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जितनी हमें ज़रूरत है, एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है, और इसे अच्छे से मिलाकर बैटर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे और एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर मीडियम फ्लेम पर उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। ये देखिए, तेल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हमने जो बेसन का घोल बनाया था उसके अंदर हम ब्रेड के पीस को डालेंगे और उसे अच्छे से घोल में डिप कर लेंगे दोनों साइड से, और उसे हम पैन के अंदर रख देंगे। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा देर तक ब्रेड को घोल में डुबाकर नहीं रखना है। और इसी तरीके से हम एक और ब्रेड का पीस लेंगे और उसे भी घोल के अंदर दोनों तरफ से अच्छे से डिप कर पैन में रख देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से कुक होने देंगे। यहाँ पर हमें हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना है, अदरवाइज़ बेसन कच्चा रह जाएगा। तो इसे मीडियम फ्लेम पर हम दोनों साइड से अलट पलट कर कुक कर लेंगे। ये देखिए, एक साइड से ब्रेड अच्छे से कुक हो गई है, तो अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से कुक होने देंगे। ये देखिए, ब्रेड दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है और यहाँ पर हमारा बेसन टोस्ट बनकर तैयार है। इसी तरीके से आप सारे बेसन टोस्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए, बनकर तैयार है हमारा गर्मा गर्म झटपट बेसन टोस्ट। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए हरी चटनी या सॉस के साथ, या फिर आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी पैक कर दे सकते हैं। आज की ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें।